सियासत के कुरुक्षेत्र में विरोधियों पर हावी रहने वाली काजल निषाद को शरीर ने दिया धोखा। गोरखपुर से लेकर लखनऊ हर जगह होने लगी चर्चा। 5 अप्रैल को मिल गए संकेत, तब काजल ने किया इग्नोर। 7 अप्रैल को वो ताकत बनकर वापस लौट आया। 7 अप्रैल को सुबह से लेकर शाम तक काजल निषाद विरोधियों पर हावी हुई। रात जैसे हुई काजल को अपने साथ कुछ बड़ा महसूस हुआ। 7 अप्रैल की रात को पड़ा दिल का दौरा, गोरखपुर के डॉक्टर ने कर दिया इशारा, काजल को लखनऊ के लिए किया गया रेफर। राजनीति की दुनिया ऊपर से जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। यहाँ खुद को स्थापित करने के लिए कई बार नेता खुद के साथ ऐसा कर देते हैं जिसके बाद कभी कभी शरीर भी साथ देने से इनकार कर देता है। गोरखपुर से सपा की फायर ब्रांड नेता काजल निषाद तो सियासत के कुरुक्षेत्र में हमेशा अपने प्रतिद्वंदी के सामने सीना तान कर खड़ी रही। वो हारी तो जरूर लेकिन मन से कभी नहीं हारी। वो अपने विरोधियों की चाल को पकड़ने में माहिर है, लेकिन 5 अप्रैल को काजल को जो उनके शरीर ने संकेत दिए उसको समझ कर भी इग्नोर करना काजल को भारी पड़ गया। गोरखपुर से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी काजल निषाद को हार्ट अटैक आया है। इसकी पुष्टि काजल निषाद के पति संजय निषाद ने की। काजल निषाद को लखनऊ के लिए रेफर किया गया। लोकसभा चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद से सपा प्रत्याशी काजल निषाद चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के टिकट पर लोकसभा सदर प्रत्याशी काजल निषाद की 5 अप्रैल को चुनाव प्रचार के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। समर्थकों और परिजनों ने स्टार हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनका हाई बीपी होने के कारण डॉक्टर ने अस्पताल में भर्ती किया था। तब से वो एडमिट थी। 7 अप्रैल रात करीब 9:45 उन्हें हार्ट अटैक आया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें अस्पताल में ही भर्ती रहने के दौरान दिल का दौरा पड़ा। ECG रिपोर्ट देखने के बाद तुरंत डॉक्टर सतर्क हुए और उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल रेफर किया गया। शिकायत के बाद उनका ECG कराया गया। इस रिपोर्ट में दिल के रिदम में बदलाव देखने को मिला। डॉक्टर्स की रिपोर्ट से पता चलता है कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा। ऐसे में एहतियातन डॉक्टर्स ने उन्हें लखनऊ के मेदांता रेफर किया। काजल निषाद ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 2012 में कांग्रेस के टिकट पर की थी, जहां उन्होंने गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा से चुनाव लड़ा था। इस दौरान उनकी हार हुई थी। उसके बाद वो फिल्मों में सक्रिय रहीं, फिर अचानक 2021 में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और 2022 में गोरखपुर के कैंपियरगंज विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह के बेटे फतेह बहादुर के खिलाफ चुनाव लड़ा। चुनाव में उन्हें कड़ी टक्कर दी, लेकिन चुनाव हार गईं। काजल को तगड़ी उपस्थिति का इनाम उन्हें 2023 में हुए नगर निकाय चुनाव में मिला, जब पार्टी ने उन्हें फिर से टिकट देकर गोरखपुर से मेयर का प्रत्याशी बनाया। हालांकि इस बार उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी मंगलेश श्रीवास्तव को जबरदस्त टक्कर दी, लेकिन चुनाव जीत नहीं पाए। बावजूद इसके सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उन पर विश्वास जताते हुए एक बार फिर से गोरखपुर सदर लोकसभा सीट से बीजेपी के रवि किशन के खिलाफ मैदान में उतारा। पार्टी ने काजल का टिकट पहले ही घोषित कर दिया था, तब से वो लगातार चुनाव मैदान में मतदाताओं के बीच अपना जनसंपर्क अभियान चला रही थी। हालांकि उसके पहले उनका पैर भी फ्रैक्चर हो गया था, व्हील चेयर और वॉकर के सहारे वो चल रही थी।